हेलो एवरीवन। तो आज वापस से मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, XUV 300 जो मैंने ली है अभी एक हफ़्ता पहले। और मैं थोड़ा सा लॉन्ग रूट ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बट इट इज़ ओनली 15-20 किलोमीटर फ्रॉम वन साइड। तो लास्ट टाइम मैंने आपको इसकी एवरेज और कैसे चलती है, कैसे गियर शिफ्ट्स हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बताया था। आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो गाड़ी है वो एक तो फुली लोडेड है नो डाउट, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत मतलब काम की लगी नहीं। जैसे इसमें आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपकी कमांड लेती है, तो कमांड लेने के बाद आप उसको कोई भी कमांड दोगे वो हमेशा यही बोलती रहेगी कि यार नॉट रिकग्नाइज नॉट रिकग्नाइज। जैसे टाटा नेक्सॉन में मैंने एक बार टेस्ट ड्राइव ली थी, तो नेक्सॉन में आप जो भी बोलते हो ना वो आपकी कमांड को लेती है। आप एसी कम कराओ, तेज़ कराओ, रेडियो चलाओ, कुछ भी चलाओ, यहाँ पे रेडियो तो चल जाती है, बाकी अगर आप उसको बोलोगे कि स्विच ऑफ द लाइट स्विच ऑन द लाइट वो नहीं करेगी। आप उसको बोलोगे कि एसी ऑन कर दे वो एसी ऑन नहीं करेगी, वो सीधे दिखाएगी कैन नॉट रिकग्नाइज कैन नॉट रिकग्नाइज कैन नॉट रिकग्नाइज। तो उस फीचर का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी मुझे इसके थोड़े से जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ा सा हार्ड लगा, और जो ट्रैवल थोड़ा सा लॉन्ग है तो मुश्किल होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। बाकी गाड़ी की सबसे एक जो प्रॉब्लम मुझे लगी जो मेरे जैसे लोगों के लिए है, इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, टच का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके है, बट अगर आप इसके स्पीकर्स की बात करते हो तो यार थोड़ी आवाज़ में इसके स्पीकर्स फटने लगते हैं। आप किसी भी लेवल पे उसको जाके सेट कर लो, वो नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम करती है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आज इसकी एवरेज क्या शो करती है। तो स्टे ट्यून। और यार नई नई वीडियोस बनाने शुरू की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके साथ रिव्यूज शेयर करूँगा, इट इज़ जस्ट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कार्स क्योंकि मैं कार गुरु नहीं हूँ, मेरा कोई मोटर का चैनल नहीं है, मैं मोटर में डील नहीं करता हूँ। इट इज़ जस्ट मैं आपकी तरह एक प्रोफेशनल हूँ जिसने अपने यूजेस के हिसाब से गाड़ी को खरीदा है बहुत सर्च करके। तो आई विल बी ओनली गिविंग यू दी रिव्यूज़ कि यार ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेनी है तो क्यों लेनी है। बट जैसा मैंने आपको बताया, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है टिल नाउ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई विल टेल यू कि कैसे और क्या करते हैं आगे। ये हम जा रहे हैं और मैंने अपनी स्पीड जो है वो 50-60 पे मेंटेन करके रखी हुई है। एप्पल प्ले के थ्रू हमारा मैप भी काम कर रहा है, बट बहुत सारी कमांड यार ये लेती नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर अगर मैं मोबाइल फ़ोन में रडार जहाँ पे मैं चेक कर पाऊँ कहाँ पे कैमरा है कहाँ पे नहीं है, वो ये कमांड लेती नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐप डाउनलोड कैसे किया जाए क्योंकि आज के टाइम में वो बहुत रिक्वायर्ड हो गया है। बाकी कितनी एवरेज है, कितना क्या कर रही है, ये भी गाड़ी मैं आपको जल्दी इसके बारे में बताऊंगा। पहले तो हम ये रेड लाइट क्रॉस करते हैं वरना येलो हो गई है चलान कट जाएगा। तो मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ अभी आगे, और वीडियो में एक बार पहुँच जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी ने आज कितना माइलेज दिया है। अब हम द्वारका पहुंचने ही वाले हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक भी है यहाँ पे, जहाँ पे क्लच ब्रेक बाकी हो रहा है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 15-17 किलोमीटर के अंदर हम लोग 3 या 4 किलोमीटर तो ऐसे रास्ते पे चले हैं जहाँ पे क्लच ब्रेक ईजी नहीं होता, बट उसके बाद से 12 किलोमीटर तक तो हमारा है जहाँ पे रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक है, स्पीड ब्रेकर्स बार बार हैं क्योंकि रेसिडेंशियल्स बार बार आता है। तो ये है जर्नी अभी तक की। बट अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कि इको सेंस हमारा कितनी एवरेज शो करता है, ड्राइविंग के रेट्स देता है हमें, अगर आप देखोगे तो मेरी ड्राइविंग को इसने 93 का स्कोर दिया है आउट ऑफ 100 अभी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा क्लच ब्रेक यूज़ हो रहे हैं। और अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो अभी दिस इज शोइंग मी 20.5 किलोमीटर, भाई साहब ओ माई गॉड। और आप देखोगे तो ये सारा डिटेल्स आपको दिखा रहा है, जहाँ पे दिखा रहा है कि पर किलोमीटर में 4 बार मैं अपना क्लच यूज़ कर रहा हूँ, 6 बार पर किलोमीटर मैं ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स भी आपको मिलते रहेंगे, जहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है। और यार ऑब्वियसली अगर आप ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहे हो जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो, और बार बार क्लच ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि आप रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ के आसपास ट्रैवल कर रहे हो, स्पीड ब्रेकर्स बार बार आते हैं। तो ये है अभी तक का हाल। जब मेरी गाड़ी नहीं आई थी तो मैंने पूरा टैंक फुल करा लिया था जिसमें 37-38 किलोलीटर्स तक मेरे पास फ्यूल आया था, और अभी सिर्फ मेरा एक ही नीचे गया है कॉलम, और जिसमें आप देखोगे तो
टोटल मेरी गाड़ी अभी 275 किलोमीटर चल चुकी है इस टैंक में, बाकी टोटल चली है 354 किलोमीटर, जिसमें 100 किलोमीटर तो कंपनी ने मुझे गाड़ी चला के दी थी, क्योंकि ये मेरी गाड़ी गुड़गांव से आई थी, तो ये वहाँ से लेके आए थे सोना रोड से, तो 100 किलोमीटर वहीं चल गई थी। बट अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर देता हूँ तो विच इज़ वेरी गुड यार, मतलब एक कॉलम में अगर आपका सिलेंडर में आपका गाड़ी 200-250 चल जा रही, क्योंकि मैं तो बुक्ड भोगी हूँ यार, जो i20 चला चुका है, i20 में मेरी गाड़ी को कोई एवरेज नहीं मिलती थी, 250 पे तो मुझे आधे से नीचे आ जाता था मैं, तो ये अभी तक का है महिंद्रा का एवरेज। बहुत ही औसम है गाड़ी की, हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जो इसका गियर नॉब है, ये गियर बदलते वक्त थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हो आप तो ये थोड़ा सा शफल करता है, हल्का सा हिलता है, वाइब्रेशन फील होती है, बाकी एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम।